कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के विरोध में जयपुर के एसएमएस अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स अस्पताल हड़ताल पर रहे। डॉक्टर्स ने प्रदेश में चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग की। डॉक्टर्स ने विरोध जताते हुए कहा कि घटना के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। वेस्ट बंगाल में घटना हुई है, हम उनके साथ में फोर्डा से कोऑर्डिनेट करके नेशनल वाइड स्ट्राइक की कॉल की थी उन्होंने, हम भी इस संदर्भ में स्ट्राइक पे हैं। जो जिस फैमिली के साथ ये घटना हुई है, जिस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ घटना हुई है, जिस महिला के साथ ये घटना हुई है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हुई। अभी तो हमें ये भी नहीं पता उस केस में एक्चुअली हुआ क्या था। इतनी अफवाह सुनने को आ रही है, कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। ऐसे में एक सीबीआई जांच हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो अपराधी है, रियल अपराधी को पकड़ा जाए, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। देखिए, ऐसा आमजन को लग सकता है कि डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं तो उससे काफी मरीजों का नुकसान हो रहा है और उनको लगेगा कि ये निर्मम हम काम कर रहे हैं। बट मैं एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा कि घटना जो है वो 8 अगस्त की है और जो देश भर में स्ट्राइक हुई है वो 12 अगस्त तक नहीं हुई है। 4 दिन का समय इतनी बड़ी घटना के लिए किसी भी सरकार के लिए काफी होता है कि असली मुजरिमों को पकड़ा जाए। लेकिन वहां पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि क्योंकि जो रूलिंग सरकार है उसका इन्वॉल्वमेंट है, एक पर्टिकुलर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से जो जांच है उसको घुमाया जा रहा है, जो असली अपराधी है उनको बचाया जा रहा है, किसी एक आदमी को उन्होंने लाके सामने खड़ा कर दिया है जो कि पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ये चीज करी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीधा सीधा इंडिकेट करती है कि कोई एक आदमी इस तरीके की हरकत बिना किसी किसी के साथ के नहीं कर सकता। उसमें जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो जल्दी से इन्फॉर्म हो, जो फैमिली है उनको कंपनसेट किया जाए। फोर्डा की जो भी डिमांड्स है हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और जयपुर में एसएमएस के लेवल पे हम चाहते हैं कि हमारे डीडीआर में हमारी सेफ्टी बढ़ाई जाए, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हो, सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो जो करेक्शन मॉडिफिकेशन चाहिए वो इम्प्लीमेंट हो और जो गार्ड्स हैं वो ऐसे गार्ड्स हों जो हमें प्रोटेक्ट कर सकें।